नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा की रेसिपी, जिसे आज हम स्टीम करके बनाएंगे। ये पोहा इंदौरी पोहा के नाम से बड़ा फेमस है, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने एक बॉल में पोहा लिया है। पहले इस पोहे को हम छान कर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक छन्नी ली है। छन्नी में हम पोहे को डाल देंगे और इसे अच्छे से छान कर तैयार कर लेंगे। इसमें से जो कचरा था वो छन के बाहर निकल गया है। अब हम पोहे को साफ पानी से धो लेंगे। इसे अच्छे से धोएंगे हम, ताकि कोई कचरा इसमें न रह जाए। नीचे हमने बर्तन लगाया हुआ है, चलने में इसे हम धो लेंगे। एक्स्ट्रा पानी को हम छटक देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक इसके लिए एक हम मसाला बना करके तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और साथ ही हमने लिया है 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। इन सबको मिलाकर एक हम मसाला बना लेंगे। वैसे तो इंदौरी पोहे में जीरावन बोल के मसाला जाता है, पर इस मसाले का स्वाद भी वैसा ही आएगा। मसाला हमारा बनकर तैयार है। 2 मिनट में पोहे हमारे अच्छे से फूल कर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच चीनी के, साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1 नींबू का रस। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम अब स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील की छलनी ली है। नीचे एक पतीला लगा दिया है। छलनी को हम अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे, ताकि पोहे उसके ऊपर चिपके ना। पतीले में हम डाल देंगे लगभग 1 ग्लास पानी। पानी और छलनी में डिस्टेंस होना चाहिए। अब इस छलनी में हम ट्रांसफर कर देंगे पोहे को। अब इसे बराबर करके हम ढक कर स्टीम करने के लिए गैस पे रख देंगे। गैस ऑन करके गैस की फ्लेम को हाई करके हम पोहे को स्टीम करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हम पोहे को चेक करेंगे। पोहे हमारे अच्छे से स्टीम होकर तैयार है। हल्दी का रंग इसमें अच्छे से आ चुका है, यही इसके स्टीम होने की निशानी है। अब इसके हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़के के लिए गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें हम डाल देंगे लगभग 2 टेबलस्पून तेल। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई। इनको हम चटकने देंगे। राई और जीरा चटक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। इसको हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट ही करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ का और कुछ करी पत्ता। सौंफ और करी पत्ता को आप इंदौरी पोहा में स्किप ना करें, ये इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल देंगे जरा सा नमक। नमक हमें सिर्फ प्याज के अकॉर्डिंग ही डालना है, पोहे में ऑलरेडी डला हुआ है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अब स्टीम किया हुआ पोहा। पोहे को हम तड़के में ट्रांसफर कर देंगे। और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। पोहे का टेक्सचर बड़ा ही अच्छा आया है। एकदम खिले खिले बनकर ये तैयार हुए हैं। हमारे खिले खिले पोहे बनकर तैयार है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट में हमने डाल लिया है थोड़ा पोहा।
अब इस पे हम डालेंगे जो मसाला हमने बनाया था, इसके ऊपर हम अपने हाथों से स्प्रिंकल कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, फिर डालेंगे बारीक कटी हुई टमाटर, फिर हम डालेंगे रोस्टेड मूंगफली, मैंने उसको ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था। फिर डाल देंगे फ्रेश अनार के दाने, फिर ऐड करेंगे खट्टी मीठी नमकीन, इसे स्किप ना करें, इंदौरी पोहे में ये मस्ट है। लास्ट में हम गार्निश कर देंगे फ्रेश धनिया पत्ती से। हमारा इंदौरी पोहा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर से प्रेस करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।